चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, एनटीए से जो हम क्वेश्चन रेज कर रहे थे उनका रिप्लाई एनटीए ने दे दिया है और आपने अभी तक वो रिप्लाई सुन भी लिया होगा कि एनटीए ने क्या क्या रिप्लाई दिया है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि एनटीए ने जो रिप्लाई दिया है वो बिल्कुल हकीकत से परे है। अब दो स्टेट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन स्टूडेंट उसी जगह खड़ा है जहां पहले खड़ा था। जो उसकी समस्या है उसका कोई समाधान नहीं है अभी। इसके लिए हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ये एनटीए का रिप्लाई के वेटिंग में थे, एक दो एडवोकेट हैं जिनके बच्चे काउंसलिंग करवा रहे हैं मेरे से, तो वो भी इसमें शामिल हैं अभी। तो अभी थोड़ी सी एक समस्या आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से समर वैकेशन के बाद में ये केस की हियरिंग के लिए बोला जा रहा है, तो आपका भी जितना अफोर्ट्स हो सके वो करना है। हम भी इसके बारे में लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं कि बच्चों को न्याय मिल सके। इसी के बीच में दो स्टेट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। उन दो स्टेट की काउंसलिंग के बारे में भी बात करेंगे। अगर ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद में बच्चों को न्याय मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले एक बार काउंसलिंग पर रोक लगाने की याचिका लगानी है, इसमें हम भी प्रयास कर रहे हैं और जितना आप लोगों से प्रयास हो आप भी करें ताकि सभी बच्चों को न्याय मिल सके। अब सबसे पहले हम उस एनटीए के नोटिस की बात कर लेते हैं। उसने 5 क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया है। हमने जो क्वेश्चंस रेज किए थे आरटीआई के तहत रेज किए थे, वैसे सोशल मीडिया पर भी एनटीए के पास जो न्यूज पहुंची है वो इन 5 क्वेश्चंस का उसने रिप्लाई दिया है। पहला क्वेश्चन का रिप्लाई ये है, पहला क्वेश्चन ये था कि नीट 24 की कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों हाइक कर रही है। पिछली बार जिस 6000 रैंक पर मार्क्स आ रहे थे, अब की बार 26000 रैंक पर वो मार्क्स आ रहे हैं। जिन मार्क्स पर पहले 6000 रैंक आ रही थी, अब की बार 26000 रैंक आ रही है सेम मार्क्स पर। तो एनटीए ने इसका रिप्लाई दिया है कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसमें जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है वो इस साल हायर परफॉर्मेंस है और उसने एग्जाम दिया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का, क्वालिफाइंग कट ऑफ जो मार्क्स होती है उसका एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल गलत का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि उसने इसके बारे में ये कहा कि हर साल जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तैयारी करते हैं, ये तो मानते हैं, और हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, ये भी है हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन जो ये एग्जाम्पल दिया है, देखो 2022 पर जो क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स थे 117 थे, लेकिन 2023 में ये बढ़कर 137 हो गए, यहाँ 20 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, 20 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। अब 24 में 23 जैसा ही पेपर था, सब कुछ सेम था, स्टूडेंट बढ़े तो हम जानते हैं स्टूडेंट बढ़ेंगे तो 40% 50% ये रखा जाता है कट ऑफ मार्क्स, 50% रखा जाता है, स्टूडेंट बढ़ेंगे परसेंटाइल ऑटोमेटिक बढ़ेगी और क्वालिफाइंग कट ऑफ ऑटोमेटिक बढ़ेगी, लेकिन ये इससे कम रेशियो में बढ़ी है, यानी 137 से 164 कट ऑफ ही बढ़ी है, 164 ही कट ऑफ बढ़ी है। सॉरी, यहाँ 30 मार्क्स बढ़े थे, यहाँ पर 30 मार्क्स बढ़े थे और यहाँ 30 मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे, मेरे ख्याल से यहाँ 27 के नियर बाई ये मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो ये जब 27 मार्क्स बढ़ रहे हैं, पिछले साल तो 30 मार्क्स बढ़ रहे थे, तो आप कैसे बता रहे हैं कि कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है वो बढ़ रहा है? ये एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल बिल्कुल गलत है। इसमें जो पिछली बार जितना ज्यादा इंक्रीज हुआ था इस बार भी उससे कम इंक्रीज हुआ, तो स्टूडेंट का यहाँ 27 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है। तो हम कट ऑफ में देखें तो पिछली बार 610 कट ऑफ गई थी, इस बार 625 कट ऑफ चली जाती, ऊपर भी तो ऐसे ही होना था, जो नीचे मार्क्स कम हो रहे हैं और नीचे स्टूडेंट के ज्यादा मार्क्स कम होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है जो उसने जस्टिफिकेशन दिया है कि ये कट ऑफ इतनी क्यों बढ़ी है, उसका बिल्कुल ही गलत जस्टिफिकेशन है ये। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन का उसने रिप्लाई दिया है कि ये जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं उसके बारे में बताया है कि ग्रेस मार्क्स किस हिसाब से दिए हैं उसका रिप्लाई दिया है। तो मैंने जो कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो क्लैट का एग्जाम हुआ था उसी के बारे में यहाँ उसने बताया है। यहाँ अभी उसने ये सिविल नंबर लिखे हैं, केस नंबर लिखे हैं यहाँ पर, और इन्होंने कहा है कि 1563 कैंडिडेट्स को इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है जिनका एग्जाम में टाइम लॉस हो गया था।
तो ये जो इन्होंने तरीका बताया है ग्रेस मार्क्स देने का, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे क्लैट के एग्जाम में दिए गए थे, वो ऑनलाइन एग्जाम था, ये ऑफलाइन एग्जाम है। उसमें कैलकुलेट किया जा सकता है कि बच्चे को कितना टाइम लॉस हुआ है, क्योंकि उस पे कंप्यूटर पे टाइम चलता रहता है, जो लॉस टाइम हुआ है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के लिए बता दिया कि हमने सीसीटीवी फुटेज से ऐसा किया है, वो निकाला है, जिससे कोई जजमेंट नहीं होता है कि स्टूडेंट का कितना समय खराब हुआ है। तो ये जो ग्रेस मार्क्स का इन्होंने बताया है, ये भी पॉइंट बिल्कुल गलत है। ये ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना बिल्कुल गलत है। या तो उन स्टूडेंट की री एग्जाम होती, या फिर कोई और तरीका होता, तो ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। अब बात आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर, जो इन्होंने, हाँ यहां भी देख लेते हैं। जब ऐसा हुआ है, इनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, तो एक ही सेंटर के इतने सारे बच्चों के 720 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? यहाँ इस एक सेंटर के जो 6 से 8 स्टूडेंट हैं, इनके कैसे आ सकते हैं इतने मार्क्स? ये भी सोचने वाली बात है, अगर ये ग्रेस मार्क्स इस हिसाब से दिया गया है तो। तीसरा पॉइंट है टॉपर के बारे में। तीसरा क्वेश्चन ये रेज किया गया था कि इस साल 67 टॉपर्स कैसे आ गए, जो पिछले साल थे ही नहीं, इससे पिछले साल थे ही नहीं, दो चार अभी तक फोर का आया है, अभी तक सबसे टॉप कैंडिडेट है वो फोर कैंडिडेट आए हैं, तो ये 67 कैंडिडेट कैसे आ गए? तो उन्होंने बोला है कि इसमें 17 कैंडिडेट तो ओरिजिनल हैं, और 44 कैंडिडेट वो थे जिनका जो क्वेश्चन फिजिक्स का था वो सही होने के बाद में उनको 720 मिले हैं, और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है। तो इसमें जो यहाँ ग्रेस मार्क्स वाला है वो सिस्टम गलत है। 67 जब कैंडिडेट्स के हैं, तो एक ही सेंटर के 8 कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं इसमें? ये भी इनका जो क्वेश्चन आंसर है, ये जस्टिफिकेशन, इससे जस्टिफाई नहीं होता है कि इसमें ऐसा सही है ये। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोर पॉइंट की, जो इसमें इन्होंने दिया है। हमने रेज किया था कि 14 जून का टाइम दिया गया था रिजल्ट का, रिजल्ट देने का 14 जून का, इन्होंने पहले कैसे दे दिया? तो इन्होंने अपने पूरी इसमें वाई वाई कर दी कि हमने पहले एग्जाम लिया, उसके बाद में उनको स्कैन किया, ओमार को हमने अपलोड किया, वो सारा सब कुछ किया है, लेकिन जब पिछले साल इससे कम स्टूडेंट थे, आपको एग्जाम लेने में, रिजल्ट देने में काफी समय लगा, इस बार आप इतना जल्दीबाजी में रिजल्ट तैयार करके रिजल्ट दे रहे हैं, इससे पहले भी तो एग्जाम हुई है, 21 में ऐसा हुआ है, 22 में ऐसा हुआ है, आपने कभी समय पर रिजल्ट नहीं दिया, तो ये ऐसे इतना जल्दी रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? ये भी पॉइंट का आंसर इनका बिल्कुल गलत है। पांचवें नंबर पॉइंट का आप आंसर सुनोगे तो ये तो अजीब ही है। पांचवें नंबर में इनका कहने का मतलब ये है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये पांचवें नंबर में ये कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जो पटना पुलिस की एफआईआर बोल रही है कि NEET 24 का पेपर लीक हुआ है, तो क्या ये पटना पुलिस गलत बोल रही है? उसको सबूत मिले, उसको प्रूफ मिले, उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा है कि इसका पेपर लीक हुआ है। जिन बच्चों को अरेस्ट कर रखा है, वो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे को शाम को पेपर दिया गया है, वो सारे सबूत मिले हैं पुलिस को, उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है, पुलिस ये बोल रही है कि पेपर लीक हुआ है, और यहाँ बोल रहे हैं, ये बड़े मजे से ये बोल रहे हैं कि हमने 6 जून को प्रेस रिलीज कर दी थी, उसमें बता दिया था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन पेपर जब पटना पुलिस का देखते हैं तो उसमें एफआईआर की कॉपी में ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। तो ये जो इन्होंने दिए हैं, जो आंसर दिए हैं, हम जो क्वेश्चन रेज कर रहे थे वो आंसर दिए हैं, ये आंसर सारे 5 पॉइंट के आंसर सभी के गलत है, एक का भी सही नहीं है। इसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट के साथ में ओमार में भी चिटिंग हुई है, वो इनके ऑफिस में भी पहुंच रहे हैं, एनटीए के ऑफिस में काफी सारे स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां भी उनको संतुष्ट रिप्लाई नहीं मिल रहा है। किसी के स्टूडेंट के ओमार में मार्क्स काफी आ रहे हैं, रिजल्ट में उसके मार्क्स ही नहीं आ रहे, किसी की ओमार ब्लैंक आ रही है, ऑफिस में जा रहे हैं तो वहां से भगा दिया जाता है, तो ये जस्टिफिकेशन स्टूडेंट के साथ में जस्टिफाई हो नहीं रहा है ये सारा का सारा। तो इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा सभी को, हम भी इसमें लगातार लगे हुए हैं, और जिससे जितना प्रयास होता है वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। यहाँ पर अभी दो स्टेट की काउंसलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ दो स्टेट, आसाम स्टेट की बात करते हैं, आसाम स्टेट की रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए वहां पहले ही फॉर्म फिल करवा लिए जाते हैं, रिजल्ट आते ही, तो रिजल्ट आ गया, ये फॉर्म फिल करवाना शुरू कर दिया है इन्होंने, 14 जून इन्होंने लास्ट डेट भी दे दी है। इसी प्रकार से नागालैंड स्टेट में भी अपने स्टेट के फॉर्म इन्होंने फिल
फिल करवाना शुरू कर दिया है, इनकी 15 जून है, इनके स्टेट कोटा के ही स्टार्ट हो गए हैं, तो ये काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, तो इससे पहले हमको करना है ताकि सभी स्टूडेंट को इसके बारे में न्याय मिल सके। तो ये जानकारी मैंने आपको देनी थी कि एनटीए ने जो रिप्लाई दिया है वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है, उसने फिर से गोलमाल रिप्लाई दिया है, और जो 5 क्वेश्चन के उन्होंने आंसर दिए हैं मैंने आपको बताई दिया है कि 500 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल गलत हैं। हम आज तक के रिकॉर्ड में हमने ऐसा नहीं देखा कि 67 कैंडिडेट 720 मार्क्स लेके आ रहे हैं। इसमें तो सिर्फ अगर मानते हैं नॉर्मलाइजेशन वाले कैंडिडेट तो 6 कैंडिडेट ही हैं, बाकी सारे कैंडिडेट अगर 6 कैंडिडेट निकालते हैं तो 61 कैंडिडेट्स ला सकते हैं एग्जाम में, 720 ला सकते हैं क्या? 720 आज तक की एग्जाम में ही नहीं हुआ कि 61 कैंडिडेट्स ने 720 स्कोर किया है, इतना पेपर भी इजी नहीं था। तो ये बिल्कुल जो उन्होंने लिखा है हर एक पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया, 500 पॉइंट में उन्होंने बिल्कुल ऐसा कुछ सच बात नहीं बोली है जो बिल्कुल सच हो इसमें। तो जैसे ही आगे और अपडेट मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।